रायसेन में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेसियों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए भोपाल सागर चौराहा से रैली के रूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM लक्ष्मीकांत खरे को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को रोक लगाने और बढ़ी हुई कीमतों को वापस कर लेने की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेसी सागर भोपाल मार्ग से रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तहसील गेट पर तीखी बहस देखने को मिली। पुलिस का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कम से कम लोग ज्ञापन देने जाइए। वही कांग्रेसी नहीं माने और गेट को धकेलते हुए अंदर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस द्वारा बदतमीजी की शिकायत करके माफी मंगवाने की बात करने लगे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, प्रभात चावला, संदीप मालवीय उपस्थित थे। रायसेन से वीरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। इसमें प्रशासन का दोष है, हमने पहले सूचना दी, इसमें सूचना दिया जाता है, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग सुबह से ही ये नाटक कर रहे हैं कि ये धरना न दी जाए, प्रदर्शन न किया जाए। ऐसा होता है क्या कि जनता को अपने कहने का अधिकार नहीं है? हम लोग देने आते हैं, ज्ञापन देने आते हैं। नहीं, अभी तो ज्ञापन देने हैं, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। देवेंद्र पटेल, आज कांग्रेस ने किस लिए ज्ञापन दिया? ये पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है। इसको महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ से भिजवा देंगे। किस प्रकार की मांगे की गई है सर? इसमें यही पेट्रोल और जो डीजल का रेट बढ़ाया है उसको कम करने की मांग की।